ओम शांति। आज की तारीख है 6/7/14 और आज रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 1/4/78 की मुरली, और आज की मुरली कहती है निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। बाप दादा कहते हैं आज माया जीत, माया पे जीत प्राप्त की तो उन रत्नों को क्या कहा जाएगा, विजयी। तो आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों में कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे बच्चे जो सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। देखो कितना गुह्य राज बाप दादा ने आज हम बच्चों के आगे खोला है। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी क्या करते हैं, जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। अभी जब वो वरदान देते हैं तब हम जन्म जन्मांतर बाप के साथी बन करके पार्ट प्ले करते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी, ऐसे सदा साथी का व तत्त्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। तो हम चेक करेंगे कि हमें भी ऐसा वरदान इस समय प्राप्त हुआ है। आगे बाबा कहते हैं हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज अवस्था और भविष्य की स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। कितना सहज सरल शब्दों में स्पष्ट बाबा बताते हैं। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम विक्रमादित्य बनने के समय भी हम साथी। तो हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे, हर वर्ण में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, ऐसे सदा सुरवीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अखूट खजाने से सदा संपन्न रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले,
ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज सतगुरु बाबा का फरिश्ते स्वरूप की स्मृति के द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ। क्या स्मृति में लाएं? कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। फिर आप अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतिंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई भी परिस्थिति व विघ्न यदि आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करने वाले विघ्न जीत बनो। स्लोगन है आज का, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, कड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अच्छा, ओम शांति।